हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर टू का जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो रटना नहीं है, समझना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। बाकी इस चैप्टर के मैंने पूरे एक्सरसाइज के वीडियोज़ बना दिए, टेस्ट पेपर का 1 से 19 तक का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, कहीं पर भी अगर आपको डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर टू के नाम से एक लिंक दिया रहेगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस चैप्टर के ना जितने भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी क्लिक करने से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है एवरी प्राइम नंबर इज अ ऑड, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे ऑड हैं। तो पहले तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे देखो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, इतना ही में आपको काम हो जाएगा। 1 ना ही हमारा प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर, ओहो बस कहाँ आ गया, एक सेकंड बस को जाने दो थोड़ा सा, चलो चला गया बस। तो मैं क्या बता रहा था कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर होता है, यानी वो नंबर जो केवल 1 की टेबल में आते हैं या तो खुद अपने टेबल में आते हैं। जैसे 2 जो है वो या तो 1 की टेबल में आएगा या तो 2 2 ही की टेबल में आएगा, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो 2 भी एक प्राइम हो गया, 3 भी एक प्राइम है, 4 हमारा कंपोजिट है क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो एक्स्ट्रा हमारे जो 2 के टेबल में आ रहा है ना, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर है? तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया था कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। जैसे 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, ऑड भी है, 5 भी हमारा प्राइम है लेकिन ऑड भी है, लेकिन 2 भी तो हमारा प्राइम है ना, और ये हमारा ऑड है क्या? बिल्कुल नहीं। 2 हमारा प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो पूरे नंबर जो होते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, सभी प्राइम, मतलब जरूरी नहीं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हो, हमारे पास इवन नंबर भी जो होते हैं ना वो प्राइम होते हैं। तो ये हमारे इस वजह से फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट, यानी जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट है। जैसे 4 हमारा इवन नंबर है, कंपोजिट है, 6 हमारा इवन नंबर है, कंपोजिट है, लेकिन 2 भी तो हमारा इवन नंबर है ना, ये कंपोजिट है क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो 2 इज अ इवन नंबर बट इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना, तो आप लोग क्या करो, जल्दी से सॉल्व करके देख लो। इसमें बोल रहा है कि जब कभी भी हम लोग सम करते हैं 2 ऑड नंबर्स का, तो जो आंसर आता है, सम निकल के आता है, वो भी ऑड होता है। तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे 3 ले लिया और 5 ले लिया, 2 ऑड नंबर है, दोनों का सम निकाल दो, 5 और 3 8 आ गया। तो यहाँ तो 8 आ रहा है जो कि इवन नंबर है, ऑड तो आया नहीं। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। 7 ले लिया, 9 ले लिया, दोनों ऑड नंबर है, ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 7 होता है 16, ये भी हमारा 16 हमारा इवन नंबर है, ऑड तो है नहीं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है कि जो सम होता है 2 ऑड नंबर्स का वो हमारा ऑड नहीं होता है, वो हमारा क्या निकल के आ रहा है? इवन आ रहा है, तो हमारा इवन होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ये तीनों के तीनों हमारे फॉल्स हैं। चलिए फोर्थ वाला देखा जाए। इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी 2 इवन नंबर का जब हम लोग सम निकालते हैं तो इवन ही निकल करके आता है। चलो चेक कर लेते हैं, 2 और 4 2 इवन नंबर ले लिया, ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो इवन आ गया। फिर ले लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो 10 ले लेता हूँ मैं एक, और एक 8 ले लेता हूँ, तो 10 और 8 दोनों इवन है, दोनों का ऐड किया तो 18 आ गया, ये भी हमारा इवन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो सम होता है 2 इवन नंबर का वो हमारे साथ इवन होता है। तो एक हमारा ट्रू स्टेटमेंट मिल गया हमें। लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है घुमा करके कि द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, यानी 2 नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ देखते हैं तो जो एचसीएफ निकल करके आता है ना, वो एचसीएफ हमारे उन नंबर के एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो ये बिल्कुल सही, ये ट्रू है, लेकिन मैं आपको बोला ना जैसे कि मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्रू क्यों है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 4 और 6 ले लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं 4 और 6, तो 4 और 6 के फैक्टर कितने होंगे? तो 4 का फैक्टर होगा 1, 2 और खुद 4 होगा। 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर एच सी एफ निकालेंगे। तो एच सी एफ दोनों में कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है। तो दोनों का जो एच सी एफ निकल करके आ गया वो निकल करके आ गया यहाँ पर से 2। एलसीएम कितना है? तो यहाँ पर 2 और 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 ले लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा मिल रहा है, और कुछ नहीं रहा है क्या? 2 मिल गया कॉमन, तो हम लोग ये तो 2 को उठा कर ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 4 और जो 6 है, ये हमारे पास इनका फैक्टर हमने किया नहीं है, ये तो हमारे पास अभी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो एलसीएम निकालने के लिए अपने को कंपोजिट करना पड़ेगा। तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे उस कंडीशन में? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। और इसी तरीके से 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गया, हमारे ये कंपोजिट से प्राइम नंबर में चेंज हो गया। अब इनका एलसीएम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए अब कुछ नहीं करना है, देखना है कि जो जो कॉमन मिल रहा है उसको उतारते जाओ, जो बच जाएगा उसको भी उतार दो। तो ये 2 मिल गया तो 2 को उतार दो,
फिर यहाँ पर हमारा ये टू और ये टू कॉमन मिल रहा है तो इन टू को उतार दो। उसके बाद हमारे पास ये थ्री अलग है, यहाँ पर हमारे पास थ्री और थ्री मिल रहा है ना, तो हमारा थ्री और थ्री को उतार दो इस तरीके से। तो हमारे पास थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, यानी कि फोर और सिक्स का जो एलसीएम निकल करके आ जाएगा वो ट्वेल्व आ जाएगा। आप लोग तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ये वाला। देखो ये जो मेथड है ना बहुत लंबा मुझे लगता है, तो मैंने आपको एक बार ये वाला मेथड भी सिखाया है एक्सरसाइज में कि फोर और सिक्स को एक साथ लिखिए और एलसीएम निकाल लीजिए। और अगर छोटा नंबर है तो आप लोग दिमाग में भी निकाल सकते हो एलसीएम का, अगर आपको मतलब पता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। तो अगर फोर का टेबल पढ़ोगे तो फोर आएगा, फिर एट आएगा, फिर ट्वेल्व आएगा, फिर हमारे पास सिक्सटीन आएगा। सिक्स का टेबल पढ़ोगे तो सिक्स आएगा, ट्वेल्व आएगा, फिर एटीन आएगा, फिर ट्वेंटी फोर आएगा। तो ये सब सीखने से अच्छा है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। अगर आप ये मेथड सीख जाते हो तो एलसीएम आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बाकी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि जो सबसे छोटा जो नंबर है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों के टेबल में आ रहा है, वो है ट्वेल्व, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो ट्वेल्व निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक एचसीएफ जो निकल गया वो टू निकल गया और एलसीएम ट्वेल्व निकल गया। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि जो एचसीएफ होता है ना वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो देखो टू जो है वो ट्वेल्व का फैक्टर है क्या? बिल्कुल है। हमारा ट्वेल्व के टेबल में, ट्वेल्व यानी किसी किसी टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री में भी आता है, फोर में भी आता है और सिक्स में भी आता है। तो टू क्या है? हमारा ट्वेल्व का एक फैक्टर है। तो कभी भी जो हमारा एचसीएफ होता है किसी भी दो नंबर का, वो उनका जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना तो उसका भी एक फैक्टर जरूर होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ट्रू और फॉल्स। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।